इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ओडीआई सीरीज का महामुकाबला दोस्तों आज 1:30 PM को खेला जाना है दोस्तों। लाजवाब मैच है दोस्तों, आप हार हार कर बिल्कुल परेशान हो कोई बात नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं क्योंकि दोस्तों आज हम आपको दोस्तों लाखों रुपए जिताकर देने वाले, वो भी कैसे सब कुछ आपको बताएंगे। आप दोस्तों विनिंग जोन से क्यों बाहर हो जाते हैं, आपकी रैंक आते आते रुक जाती, आप कहां पर गलती करते हैं और दोस्तों आपकी रैंक आते आते रुक जाती, सब कुछ बताने वाले आप लोगों को क्या करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों और हम आपको बता देते हैं टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आईपीएल आने वाला है। हम दोस्तों बहुत ही जल्द से जल्द आप लोगों को ट्रिक एंड टिप्स के वीडियो देने वाले हैं, तो दोस्तों जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या करना होगा। आपको सबसे पहले दोस्तों बजरंग बली के दर्शन करने हैं और एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख देना है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम आपको ज्योतिष विद्या के द्वारा बताएंगे कि दोस्तों आपको कितना विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने बॉलर लेकर चलना है, कितने ऑलराउंडर लेकर चलना है और कितने बैट्समैन लेकर के चलना, सब कुछ बताएंगे। क्या है पिच का मिजाज कैसा है दोस्तों, किस प्रकार से मौसम में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है दोस्तों, और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीमों का क्या है दोस्तों, सब कुछ आप बताएंगे। ग्राउंड की आंकड़े क्या है, औसत स्कोर क्या है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आप लोग कहां पर फेल हो जाते हैं और आपकी रैंक आते आते रुक जाती है ये भी बताएंगे दोस्तों, आप कहां पर गलती करते हैं सब कुछ आपको बताने वाले। आप लोगों को क्या करना, वीडियो को स्किप नहीं करना और कमेंट बॉक्स में केवल जय बजरंग बली का दोस्तों नाम लिखना क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल होता है दोस्तों और क्रिकेट में इसकी शुरुआत ही दोस्तों ज्योतिष विद्या के द्वारा होती है। जब टॉस उछाला जाता है दोस्तों तो भाग्य का प्रतीत को तो होता है और भाग्य कहां से चलता है वो भी ज्योतिष विद्या के द्वारा चलता है। तो और चलते हैं दोस्तों ज्योतिष विद्या का सहारा लेते हैं, एक बात प्रेम से बोलिए, श्रद्धा भाव से बोलिए जय बजरंगबली बाबा की जय और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। और चलते हैं हम ज्योतिष विद्या के सहारे दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं कि आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कितने विकेट कीपर लेकर के चलना है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों और चलते हैं देरी न करते हुए, हम सबसे पहले विकेट कीपर की बात करते हैं कि आपको कितने विकेट कीपर लेकर के आज शुभ है। आज दोस्तों बजरंगबली का दिन है इसलिए दोस्तों आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख देना है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। मंगलवार का दिन है आज दोस्तों, आपके लाखों रुपए आप कमाने वाले हैं, तो देरी किस बात की, और चलते हैं हम क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा दोस्तों। यहां पर विकेट कीपर के रूप में आपको कितने का आंकड़ा शुभ बता रहा है, 3 विकेट कीपर लेकर के चल रहे, तो दोस्तों आपके लिए बेहद ही अशुभ है दोस्तों, घंटियां बच सकती है, आप दोस्तों बिल्कुल परेशान हो सकते हैं, तो आप 3 विकेट कीपर लेकर के बिल्कुल ना चलिए। आपके लिए 2 और 1 का आंकड़ा बेहद ही शुभ है विकेट कीपर के लिए, विकेट कीपर अगर आप लेते हैं तो 1 या 2 विकेट कीपर लेकर के चलते हैं, तो दोस्तों आपका आंकड़ा बेहद ही शुभ योग होने वाला है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 1 या 2 विकेट कीपर लेकर के चलते हैं तो आपका आंकड़ा जो है बहुत ही शुभ है, आप 1 या 2 विकेट कीपर लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर विकेट कीपर की बात कर चुके हैं, अब बात आती है दोस्तों यहां पर बैट्समैन की, आपको बैट्समैन कितने लेकर के चलना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। यहां पर बैट्समैन के रूप में हम आपको बताते हैं, यहां पर आपके लिए 4 या दोस्तों 5 बैट्समैन आपके लिए बेहद ही शुभ है, 4 या 5 का आंकड़ा बनाकर चलेंगे दोस्तों आज आपके लिए शुभ है क्योंकि 4 के आंकड़ा में हा नाम दोस्तों बैठा है और 5 के आंकड़े में वारासा नाम बैठा है, और सा नाम दोस्तों कुंभ राशि का जातक होता है दोस्तों, शनि की छाया होती है और राक्षस प्रवृत्ति होती है, और शनि को कौन मारता है, बजरंगबली दोस्तों राक्षस को मारने का काम करते हैं। आज मंगलवार का दिन है, मैच होने वाला है 1:30 PM को, इसलिए आज लाजवाब प्रदर्शन होने वाला है, लाजवाब तरीके से आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों बैट्समैन के लिए दोस्तों 4 या 5 का दोस्तों ये जो रेशियो है 4-5 का आंकड़ा है वो बहुत ही शुभ होने वाला है दोस्तों। यहां पर विकेट कीपर के साथ 4-5 बनाना है क्योंकि विकेट कीपर भी बैट्समैन ही होते हैं, इसलिए दोस्तों ज्यादातर आप लोगों को अगर देखिए बताते हैं, अगर आप 2 विकेट कीपर लेकर चलते हैं तो 3 बैट्समैन लीजिए, अगर 1 विकेट कीपर लेकर चलते हैं तो 4 बैट्समैन लेकर के आप टीम बना सकते हैं। अब इसके बाद आप बारी आती है दोस्तों ऑलराउंडर की, आपको ऑलराउंडर कितने लेना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, आपको ऑलराउंडर किस प्रकार से लेने हैं। तो यहां पर आपको ऑलराउंडर में 2 और 1 का रेशियो बहुत ही गजब चल रहा है, जो 2-1 के रेशियो में आप ऑलराउंडर लेकर चलते हैं
दोस्तों आपकी दोस्तों बल्ले बल्ले होने वाली है, सर पर मुकुट रखने वाला है और दोस्तों ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। तो दोस्तों ऑलराउंडर के लिए दोस्तों आप एक या दो ऑलराउंडर लेकर जा सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों आपको बॉलर कितने लेना है, ये भी बात बहुत ही जहन करती है दोस्तों कि बॉलर कितने लेकर के चलना है। तो बॉलर के रूप में आप तीन बॉलर ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें शाह नाम का अगर बॉलर है तो दोस्तों आपकी बत्ती बुझ सकती है। आपको शाह नाम का बॉलर बिल्कुल नहीं लेना, बॉलर के बैट्समैन आप शाह नाम का ले लीजिए, बॉलर नहीं लेना दोस्तों आपकी घंटी बज जाएगी। दोस्तों यहां पर अगर बॉलर में हा नाम का बॉलर आपके पास मिल जाए तो बिल्कुल ले लेना, आंख मूंद कर ले लेना, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है दोस्तों। हा नाम का व्यक्ति आज के लिए बेहद ही शुभ है, आज के लिए दोस्तों हा नाम और रा नाम बहुत ही शुभ है। तो आप लोग बॉलर में हा और रा नाम का योग बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप हा और रा नाम के बॉलरों को ले सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप टीम बनाएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों, मैच कहां होने वाला है और फर्स्ट विजेता को कितने रुपए मिलने वाले हैं, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम पूरी तरह से बताएंगे। इससे पहले दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों बजरंग बली के आप लोग दर्शन कीजिए, आज मंगलवार है, बहुत ज्यादा पूजा अर्चना कीजिए और फिर टीम बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में केवल जय बजरंग बली लिख दीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं पूरी तरह से, देखते हैं। देखिए इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला है दोस्तों वीमेन क्रिकेट टीम का दोस्तों। और चलते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको फर्स्ट विजेता 9 करोड़ रुपए का मेगा किया 49 रुपए से एंट्री है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट विजेता को मिलने वाले 1 करोड़, सेकंड विजेता को 10 लाख, थर्ड विजेता 5 लाख, फोर्थ विजेता को 3 लाख और पांचवें विजेता को 2 लाख रुपए मिलने वाले, बिल्कुल दोस्तों मात्र 49 रुपए की एंट्री के साथ। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहां पर देखते हैं मैच का क्या है आंकड़ा दोस्तों, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। टीम देखते हैं, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं पिच कैसा कहती है, पिच बैटिंग है आदर्श बैटिंग स्टाइल, औसत स्कोर दोस्तों यहां 215 रन है दोस्तों। और दोस्तों हम मैच कहां होने वाला है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। मैच होने वाला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पर मैच होने वाला है, इस पिच से आप लोग बहुत ही वाकिफ होंगे। अब गाइड करते हैं और मैच के आंकड़े देखते हैं दोस्तों। मैच के आंकड़े अगर देखते हैं तो यहां पर दोस्तों इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, यहां पर दोस्तों इंडिया का पल्ला थोड़ा लूज दिखाई देता है, क्योंकि लेटेस्ट 5 मुकाबले में मात्र 1 मुकाबला जीता, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4 मुकाबले जीते, 1 मैच का नतीजा बेनतीजा रहा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पल्ला थोड़ा भारी दिखाई देता नजर आता है। अगर ग्राउंड के आंकड़े देखते हैं तो देखिए ग्राउंड के पिच बैटिंग है दोस्तों बेहतरीन, बेसर्स को मदद मिलने वाली है, बादल घिरे रहने की पूरी संभावना है, औसत रन 215 है, कुल विकेट 73 गिरे, जहां 42 पेसर्स को और स्पिनर को 31 विकेट मिले हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड बात करते हैं, यहां पर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कुल 6 मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 5 जीता है, इंडिया ने दोस्तों 1 जीता है। इस लिहाज से देखते हैं तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पल्ला थोड़ा भारी नजर दिखाई देता नजर आता है। अब हम चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं बेस्ट ड्रीम टीम दोस्तों। ड्रीम टीम बनाकर आपको देते हैं हम, दो प्रकार से आपको टीम बनाएंगे दोस्तों, एक होगी सेफ टीम, एक होगी रिस्की टीम। सेफ टीम का मतलब है जो लोग केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं दोस्तों, केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, वो सेफ जोन पर जा सकते हैं और वो मात्र 49 रुपए लगा करके 49 रुपए उनके जरूर वापस आ जाएंगे, 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और जो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं वो रिस्क लीजिए, 49 रुपए जाएंगे तो 49 जाएंगे और आएंगे तो लाखों आएंगे दोस्तों। तो यहां पर हम लोग दो प्रकार से टीम बना करके देखे, एक सेफ टीम और एक रिस्की टीम। हम सेफ जोन में पैसे पहले जाते हैं दोस्तों, यहां पर बी मुनी और आर घोष को लेकर के सेफ टीम में जा रहे हैं, ई परी को लेते हैं दोस्तों, एस मंदाना को लेते हैं, एस मंदाना को लेते हैं, जे रेंड्रिक्स को ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर में जाते हैं, एक गार्डनर को ले लेते हैं दोस्तों, डी शर्मा को लेते हैं, टी मैकग्रेथ को लेते हैं, पी वस्तकार को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर दोस्तों यहां पर ये देखिएगा, यहां पर दोस्तों हम ले लेते हैं आर सिंह को ले लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों आर सिंह के बाद दोस्तों हम जी बेहरम को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कप्तान कप्तान बनाने की, तो और चलते कप्तान कप्तान भी बनाते हैं, क्योंकि कप्तान का 1 अंक डबल हो जाता है और वाइस कप्तान का 1 अंक डेढ़ गुना हो जाता है, जो आपकी रैंक में 4 चांद लगा देता है। तो दोस्तों और चलते हैं, देरी न करते हुए हम लोग कप्तान कप्तान बनाते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए कप्तान किसको बनाना है, वाइस कैप्टन किसको बनाना था, डी शर्मा को हम कप्तान बनाते हैं, ऑलराउंडर टीम मैकग्रेथ है दोस्तों, एक गार्डनर है इनमें दोस्तों, टीम मैकग्रेथ को वाइस कैप्टन बनाकर टीम को सेव कर देते हैं। ये हमारी एक टीम बन चुकी है जो बेहद ही सेफ है। और दूसरी टीम पर जाते हैं दोस्तों, जो रिस्की टीम होगी दोस्तों, यहां ए हीली और वाई भाटिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहां पर एच कौर को ले लेते हैं दोस्तों, एच कौर के बाद दोस्तों यहां पर एच कौर को लेते हैं, पी लिचफील्ड को ले लेते हैं, और दोस्तों
तीन फील्ड के बाद ई परी को लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक गार्डनर को ले लेते हैं और दोस्तों यहां पर ए सदरलैंड को लेते हैं और दोस्तों ए सदरलैंड के बाद डी शर्मा को ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या करना है हमको, एस राणा को लेते हैं, एस राणा के बाद दोस्तों एस पाटिल को ले लेते हैं और दोस्तों यहां पर बढ़कर के आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा, अब बात आती है फिर से कप्तान, कप्तान को ई परी को कप्तान बना देते हैं और दोस्तों यहाँ पर डी शर्मा है और ए सदरलैंड है दोस्तों, इन्हें वाइस कैप्टन बनाकर टीम को सेव कर देते हैं। दो प्रकार से हमारी टीम बन चुकी, एक है बेहद रिस्की और एक है सेफ टीम। दोस्तों में सिक्स एंड फाइव का रेशियो दोनों ही टीमों पर है दोस्तों, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। दोस्तों हमारी सेफ टीम में कप्तान डी शर्मा है, वाइस कैप्टन टीम एग्रेट है, वही दोस्तों रिस्की टीम पर आप लोग देख सकते हैं, रिस्की टीम पर कप्तान दोस्तों ई परी है, दोस्तों कप्तान ई परी है, वाइस कैप्टन ए सदरलैंड है। तो हमने एक बैट्समैन और दोस्तों एक दोस्तों ऑलराउंडर को दोनों ही टीम पर कप्तान कप्तान बनाया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हम आपको एक स्पेशल जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों, ये हमारी फाइनल टीम नहीं होती, फाइनल टीम हम टॉस होने के 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप लोग फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही, मिलेंगे दोस्तों।